राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 8,828 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की भी योजना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बताया कि इन स्कूलों में अत्याधुनिक क्लासरूम व प्रयोगशाला, पुस्तकालय और स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रत्येक राजकीय वरिष्ठ विद्यालय में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इन पुस्तकालयों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 10,000 टैबलेट प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर 17,000 से अधिक नियमित शिक्षकों को भी टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।